हाउ आई शूट माई वीडियोज़ ऑन ग्रीन स्क्रीन, मैं ग्रीन स्क्रीन में अपने वीडियोज़ को कैसे शूट करता हूँ। टाइटल एंड थंबनेल देख के आपको बेसिकली ये आइडिया हो गया होगा कि आज के वीडियो का टॉपिक क्या है। आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि मैं कैसे ग्रीन स्क्रीन में अपने वीडियोज़ को शूट करता हूँ बिल्कुल ही लो बजट में, एंड कैसे उसको एडिट करता हूँ, एंड लास्ट में जो मेरा पूरा सेटअप है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। एक बात तो आप सबको पता होगी कि अगर आप ग्रीन स्क्रीन का एक परफेक्ट सेटअप बनाना चाहते हो तो आपको अच्छे खासे पैसे लगाने पड़ेंगे, तभी आपको ग्रीन स्क्रीन का एक परफेक्ट सेटअप बनके मिलेगा। अगर आप लो बजट में ट्राई भी करोगे ना तो आपका जो वीडियो का आउटपुट है वो सही नहीं आएगा, एडिटिंग, शूटिंग एंड लाइटनिंग ये सब चीजों में प्रॉब्लम्स हो जाती है। लेकिन अभी आप देख सकते हो मैं ग्रीन स्क्रीन में अपने वीडियोस को शूट कर रहा हूं एंड मेरे वीडियो का जो आउटपुट है वो अच्छा है, काफी अच्छा है, ऐसा मुझे लगता है। पता नहीं आपको क्या लगता है, लेकिन मुझे ये जरूर लगता है कि जो मेरे वीडियो का जो आउटपुट है वो काफी अच्छा है एंड जो मैं वीडियो शूट करता हूं वो बहुत ही लो बजट में शूट करता हूं। तो क्या आप गेस कर सकते हो मेरा जो सेटअप है उसको बनाने में मुझे कितने रुपये लगे होंगे? 2000 नहीं, 1000 रुपये नहीं, 500 रुपये बिल्कुल नहीं। मेरा जो सेटअप है वो मैंने केवल और केवल 250 रुपये में रेडी किया है एंड मुझे नहीं लगता कि 250 रुपीज का कोई बजट हो सकता है, आप इसे जीरो बजट भी बोल सकते हो। एंड ये जो ग्रीन स्क्रीन का कपड़ा पीछे देख सकते हो, सॉरी अभी जो कपड़ा आप पीछे देख सकते हो, ये मुझे 30 रुपये मीटर पड़ा था और क्योंकि शॉप मेरे एक जान पहचान के अंकल का था तो वहाँ पर हमें थोड़ा सा डिस्काउंट भी मिल गया। एंड मुझे लगता है 5 से 6 मीटर काफ़ी होगा आपके वीडियो के बैकग्राउंड के लिए। बहुत लोग ऑनलाइन ग्रीन स्क्रीन ऑर्डर करते हैं क्योंकि उनको ये डर रहता है कि अगर वो मार्केट से ग्रीन कपड़ा लेंगे तो शायद उनके वीडियो का जो कटआउट है वो सही ना निकले। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं, आप कोई भी ग्रीन कपड़ा का यूज़ कर सकते हो, आपके जो वीडियो का कटआउट है वो अच्छा ही निकलेगा एंड ऑनलाइन में आप दुगने पैसे देने से भी बच जाओगे। एडिटिंग के बारे में भी थोड़ा बोलना चाहूँगा, अगर आप PC या लैपटॉप का यूज़ करते हो तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, लेकिन अगर आप फ़ोन से एडिट करते हो तो आप काइनमास्टर का यूज़ मत करना क्योंकि काइनमास्टर से आपका जो कटआउट है वो स्मूथ नहीं निकलेगा, अच्छा नहीं निकलता, प्रॉब्लम्स हो जाती है। इसके प्लेस पे आप पावर डायरेक्टर का यूज कर लेना क्योंकि वहां का जो कटआउट है वो काफी स्मूथ निकलता है एंड उसमें आपको कटआउट करने में भी प्रॉब्लम नहीं होगी। एंड पावर डायरेक्टर पे आप कटआउट करके फिर काइनमास्टर पे एडिट कर सकते हो, उसमें प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। तो चलिए मैं आपको बिहाइंड द सीन वाला सेटअप दिखा देता हूं कि मैं अपने वीडियोज को कैसा शूट करता हूं एंड जो मेरा सेटअप है वो किस टाइप का है। तो जैसा कि आप देख सकते हो ये मेरा ग्रीन स्क्रीन का बिल्कुल ही लो बजट वाला सेटअप है, एक कैमरा स्टैंड एंड मैं अपने फ़ोन से वीडियोस को रिकॉर्ड करता हूँ और आप यहाँ पर देख सकते हो स्टैंड में बल्ब्स लगे हुए हैं। तो बल्ब्स की ज़रूरत तो आउटडोर नहीं पड़ती, जब मैं रूम में शूट करता हूँ तब इसका यूज करता हूँ, ऐसे ये सब चीज़ें मेरे पास पहले से थी। ग्रीन स्क्रीन के सेटअप के लिए मैंने बस ये कपड़ा लिया था, ग्रीन कपड़ा 6 मीटर 180 रुपये मुझे पड़ा था और इसे सिलवाने में एंड कुछ कुछ चीज़ों में और थोड़ा खर्चा आ गया था, तो 250 आप प्रॉपरली बोल सकते हो। और मैं ग्रीन स्क्रीन के वीडियोस को आउटडोर शूट इसलिए करता हूं क्योंकि आउटडोर लाइट की जरूरत नहीं पड़ती है, नेचुरल लाइट से काम बन जाता है एंड आपको पता होगा ग्रीन स्क्रीन में लाइट्स में कितने पैसे वेस्ट जाते हैं, तो यहां पर मैं बहुत सारे पैसे बचा लेता हूं। एंड ये जो स्टैंड है, ये जो बल्ब है, ये मेरे पास पहले से थे, हालांकि जो ये बल्ब है ये मैंने घर से उड़ाया है तो किसी को बताना मत प्लीज। तो देखो ऐसी बात नहीं है कि आउटडोर शूट करने में प्रॉब्लम्स नहीं आती है, देखो प्रॉब्लम्स आती है, कभी मौसम ख़राब हो गया या फिर ज़्यादा हवा चल रही है। अभी जब मैं वीडियो शूट कर रहा था तो बहुत ज़्यादा हवा चली है जिसके कारण थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स हुई मुझे, लेकिन क्या कर सकते हैं, स्टार्टिंग के टाइम पर इन सब चीज़ों को मैनेज करना पड़ता है, उसके अलावा हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं रहता है। सो अगर आप भी ग्रीन स्क्रीन में शूट करना चाहते हो तो आप इस ट्रिक का यूज़ कर सकते हो जिस ट्रिक का यूज़ मैं करता हूँ। मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ कि जो आपका आउटपुट है वो अच्छा आएगा एंड ये जो कपड़ा है ये आप लोकल मार्केट से इजीली ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं होगी। आई होप आपको इस वीडियो में ज़रूर कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मस्त रहो, बिंदास रहो।